एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, सितंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आइए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। पार्ट ए में 16 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच इज रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको कि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, √23 को आप नहीं लिख सकते, ठीक है। √4 जो है वो क्या हो जाएगा, 2, और आपको पता है कि हर नंबर के नीचे 1 जो है वो उसके डिनोमिनेटर में होता है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि √9 जो है वो क्या, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, 1, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने ऑप्शन जो है वो 2 हमें दिए है, तो क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी और सी दोनों ही करेक्ट है, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है। अगेन मैं कह रही हूँ आपको, आपको क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उसमें सही नंबर्स प्रिंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। तो जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो तो क्या होता है, दोनों जो है वो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। 9 3/2, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये हो गया 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इनटू 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 की पावर जो है वो क्या हो गई, 3, यानी कि 3 को आप 3 टाइम लिखोगे, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो इसका आंसर कितना आ गया, 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग नंबर। अगेन क्वेश्चन जो है उसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो पूछा गया है यहाँ पर आपसे। देखो टर्मिनेटिंग नंबर ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये भी जो है वो 0.9 जो है आप इसको लिख सकते हैं, 9/10 में ये भी टर्मिनेट हो रहा है। इसके अलावा 0.43 जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, बट पाई जो होता है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो नंबर खत्म ही नहीं होंगे, कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें दिया गया है, विच इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल जो है वो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा वाला 1 वेरिएबल वाला है, 4x² - 3x + 7, ठीक है। अगला है कि इफ अ पॉलिनोमियल हैज पावर 1, अगर पावर जो है वो 1 है किसी पॉलिनोमियल की, तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये इनमें से किसका फॉर्मूला जो है, ठीक है। तो जो बी है x + y + z का स्क्वायर, ये उसका जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अगला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, तो जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, ठीक है, जब आप ग्राफ बनाते हो जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0, ठीक है। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, तो वर्टिकल लाइन जो है ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या है, वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ हो सकती है ना, तो इन्फिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द, ठीक है, तो एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। दैट मीन्स 90 डिग्री से कम, बेसिकली आप कह सकते हो 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के बीच में अगर है तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर 2 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन देयर एंगल विल बी, तो वो किस तरीके का एंगल जो है वो होगा, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल टू एंगल विल बी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री का सम होता है, हमें पता है कि एंगल का सम जो होता है, ठीक है, एक ट्राइंगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये अगर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर सभी एक्स है तो ये 180 डिग्री हो गया, ये हो गया आपके पास 3x = 180 डिग्री, x = 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दिया,
ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। तो जो ट्रिपल ए होता है वो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। कौन कौन सी होती है? ट्रिपल एस हो जाएगी, यानी कि साइड 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 हो जाती है, एस एस साइड एंगल साइड हो जाता है, ए एस एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल एंगल साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। अगला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है इसके तीनों साइड, जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो तीनों साइड को क्रॉस कर दोगे तो वो पेरीमीटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है ट्रू फॉल्स। उसमें सबसे पहले हमें बोला गया है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है ना, सभी 90 डिग्री का एंगल, सभी राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर एक बड़ा कंसेप्ट है नेचुरल नंबर के कंपैरिजन में, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 ऐसे से स्टार्ट होगा, होल नंबर में 0 भी लग जाता है, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे तो होल नंबर हो ही गए ना, उसके अंदर आ गए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 2π इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें पता है पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है ना, तो ऑब्वियसली जब आप किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो वो भी इरेशनल नंबर जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो भी 2π जो है वो भी इरेशनल नंबर है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं वो -3 होते हैं, नहीं, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है, तो जिस वजह से ये फॉल्स है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, उसका जो मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे ओरिजिन बोलते हैं, ये हम अभी करके भी आए हैं, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अ ट्राइंगल हैज 2 राइट एंगल्स, अब कहते हैं एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, अगर 2 90 डिग्री का एंगल हो गया तो 180 डिग्री तो वही तो बन गया है ना, और ट्राइंगल जो है वो 3 एंगल से मिलकर बना है, तो थर्ड हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो जिस वजह से ये फॉल्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है फिलिप वो हमें कहता है कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल। देखो जो हीरोन्स फॉर्मूला है उससे हम किसी भी तरीके के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है। अब ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि स्केलिंग ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पे फॉल्स जो है वो मार्क कर रही हूँ, बट आप ये याद रखना कि किसी भी तरीके के ट्राइंगल का हम जब एरिया निकालते हैं वो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला जो आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया है वो है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द 2 लाइंस, अगर एक लाइन जो है वो 2 लाइंस को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और उनके कॉरेस्पॉन्ड, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा ये कहना चाह रहे, थोड़ा सा लाइन जो है उसमें मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली हमें मेंशन नहीं किया कि जो लाइन है, ये जो 2 लाइंस दी हुई है वो किस टाइप की लाइन है, ये सिर्फ उसी, मतलब कह सकते हो उसी पे लागू होगा जहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस होंगे, ठीक है। अब लाइंस तो ये भी है, ये इसको कट रहा है, बट इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो जिस वजह से ये फॉल्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपसे बोला गया है 1.478 जो है वो किस तरीके का नंबर, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, यानी ये नंबर कुछ इस तरीके से आप लिखोगे 1.478 है ना, तो ये किस तरीके का नंबर है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ठीक है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा और रेकर मतलब रिपीट हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो चाहे नंबर आपका टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, दोनों ही तरीके के नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगला है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आप लोग को पता है, ये क्या होता है,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इनकेस आपको कंफ्यूजन हो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो हो गया ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया हो गया माइनस ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस का ए बी, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डैश पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो कितनी है टू है ना, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इज कॉल्ड, तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है हम उसे जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो वाई के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट जो है वो वाई का वो क्या होता है वो होगा जीरो और वाई, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है अ डैश कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम जो है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब पॉलिनोमियल हैज पावर 3 इज कॉल्ड, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर मैक्सिमम 3 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, फाइंड 5 रेशियल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो इसके बीच में हमें 5 रेशियल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें पहला नंबर 3/5 दिया है, दूसरा नंबर 4/5 दिया है, हमें 5 रेशियल नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए 5 में 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है, और इसको 6/6 और यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 18, 5 6 30 हो गया, 6 4 24 और 5 6 30, इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सभी रेशियल नंबर हैं, ठीक है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हमारे पास 5 रेशियल नंबर जो है वो आ गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि 3+√3 और 2+√2 इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहला 3 है उसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड वाला नंबर है √3 उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसके बाद अब करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 को √2 से किया तो 3√2। इसी तरीके से जब 2 को √3 से किया तो क्या हो जाएगा 2√3, और √3 को √2 से किया तो ये हो गया आपके पास √6, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये हमारा जो है वो क्या हो गया आंसर हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका x है और ये y है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने क्या किया, अब हमें पता है यहाँ पे ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइन है और पी क्यू जो है, ठीक है, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल के, ठीक है। एंगल ए पी क्यू जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अगर ए पी क्यू 50 डिग्री का है तो एंगल पी क्यू आर जो है वो भी 50 डिग्री का हो गया, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि जो एंगल एक्स है हमारा वो कितना हो गया 50 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से अब हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि ए बी और सी डी अभी भी पैरेलल लाइन है और जो पी आर है इस बार हम मान के चल रहे हैं कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एंगल ए पी आर जो है, ठीक है, यानी कि एंगल ए पी आर, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और इसके बाद जो एंगल हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है आपके पास ये आर, ठीक है, वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए पी आर ये कंप्लीट होगा, ठीक है। एंगल ए पी आर जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है पी आर डी के, ठीक है। अब एंगल ए पी आर जो है वो कितने डिग्री का है, वो हो गया हमारे पास 127 डिग्री का। अब ये तो कंप्लीट
एंगल APR जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बन रहा है, तो वो बन रहा है एंगल ए, तो ये जो APR एंगल है वो दो एंगल्स को मिलाकर बन रहा है ना, एक तो एंगल APQ और PQR, ठीक है, एंगल PQR जो कि हमारा एंगल Y है, यानी कि एंगल Y और एंगल APQ जो कि 50 डिग्री का है, इन दोनों को मिलाकर जो है वो हमारे पास एंगल बन रहा है 127 डिग्री का, ठीक है। एंगल y को यहीं पर छोड़ देते हैं, 127 डिग्री, 50 डिग्री जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है हमारे पास, ठीक है। तो 127 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 77 डिग्री, यानी कि एंगल y जो है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, 77 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है कि एंगल PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आपने प्रूफ करना है कि जो PQS है, यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो PRT के भी इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमें क्या पता है कि जो रे है, ठीक है, कौन सा रे, OP, सॉरी QP, रे जो QP है वो स्टैंड्स ऑन लाइन, अपने स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, ठीक है, ST लाइन पे है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंगल PQR है, एंगल PQR और जो एंगल PQS है, फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, है ना, एक लीनियर पेयर जो है वो बना रहे हैं एंगल का। अब ये वाला एंगल और इस एंगल को मिलाओगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल PQR प्लस में एंगल PQS जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रे है RP वो किस लाइन पर स्टैंड कर रहा है, वो भी जो है वो ST लाइन पर स्टैंड कर रहा है, ऑन लाइन ST, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल PRQ है, ठीक है, PRQ एंड एंगल PRT ये भी एक जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, तो फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यानी कि जब हम एंगल PQR, सॉरी PRQ और एंगल PRT को प्लस करेंगे तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये भी 180 डिग्री का बनेगा। अब ये दोनों 180 डिग्री के बन रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो है वो इक्वल है, यानी एंगल PQR PQS जो है वो इक्वल है एंगल PRQ और PRT के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में हमें दिया गया PQR जो है वो PRQ के इक्वल है, तो ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमने प्रूफ कर दिया कि PQS जो है वो एंगल PRT के इक्वल है, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का है, इसमें हमें बोला गया है कि जो है ग्राफ पर जो है वो आपने इन जो ये पॉइंट्स है इनको जो है वो शो करना है, ठीक है। स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लाइन ड्रॉ करोगे, मैं आपको यहाँ पर रफली जो है वो समझा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, हम 5 तक का बना देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, स्केल से मेजरमेंट करके करना है आपने, ठीक है। -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब हमें बोला गया है एक पॉइंट जो कि -2 और 4 है वो बनाना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहला x होता है हमारा और दूसरा y होता है, तो x एक्सिस पे -2 ढूंढो, उससे हमने 4 तक जाना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा a, ठीक है। आप इसके साथ जो है वो लिख भी दो ऐसे -2 और 4। नेक्स्ट हमें बोला है b, 3 और -1, तो 3 पॉजिटिव का है और b जो y है वो नेगेटिव का है, 3 और -1, यानी यहाँ पे मिलेगा ये हमारा पॉइंट हो गया b, ठीक है। C जो है वो कौन सा है, C पॉइंट है -1 और 0, ठीक है। -1 x-axis का ये रहा, 0 y-axis का ये रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका C पॉइंट। और उसके बाद जो D है
डी जो है वो हमें क्या बोला गया है, जो डी है वो हो गया हमारा वन और टू, ठीक है, तो वन एक्स का टू वाई का, ये जो है वो आपका कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है, ए का जो है वो क्या कोऑर्डिनेट होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, तो जो ए है वो जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया एक्स एक्सिस हमारा टू और वाई हो गया हमारा माइनस फोर। जो बी है वो बी कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, तो बी में एक्स एक्सिस देखेंगे वो है माइनस फाइव और जो वाई है वो कितना है टू। फिर सी, सी जो है वो कहाँ पर है हमारा, ये रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पर कितना है फाइव है प्लस का और माइनस फाइव है वाई का। इसके बाद डी पॉइंट जो है वो देखते हैं, जो डी पॉइंट है वो ये रहा हमारा, सिक्स जो है वो हो गया एक्स एक्सिस पर और टू जो हो गया प्लस का वो है वाई एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ई पॉइंट है, ठीक है, जो कि ये वाला है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पर कितना है हमारा माइनस थ्री और वाई एक्सिस पर कितना है माइनस फाइव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है जो एसी है वो एडी के इक्वल है, ठीक है। लाइन एबी बाइसेक्ट एंगल ए, जो एबी लाइन है वो एंगल ए को जो है वो काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एबीसी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये एबीडी ट्राइंगल है वो दोनों जो है वो कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एसी जो है वो एडी के इक्वल है, जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो एबी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल सी ए बी है, ठीक है, एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए बी के, जो कि हो गया हमारा सेकेंड स्टेट। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी जो है वो एबीडी जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, वो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी सी और ए बी डी जो है वो हमने ले लिया है यहाँ पे ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या है, दोनों में ए बी और ए बी जो है वो कॉमन है, क्योंकि दोनों का, दोनों ट्राइंगल का कह सकते हो बेस सेम है, ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल में ए बी लाइन आ रही है। इसके बाद जो सेकेंड चीज उन्होंने हमें बताई है, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है ना, ये तो हमें गिवन है। और अब क्योंकि ए बी जो है वो एंगल ए को काट रहा है तो ये इक्वल उस पर काटेगा, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल है किस एंगल के, एंगल डी ए बी के, ठीक है। ये हमने जो सेकेंड इक्वेशन लिया है उससे हम जो है वो कह रहे हैं, तो तीन चीजें हो गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी। एससीएस कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है उसको हमने फॉलो किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बी सी है, ठीक है, वो बी डी के जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, जो बी सी है वो बी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि सीपीसीटी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। जब हम ट्राइंगल को जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो सीपीसीटी के थ्रू उसके सारे पार्ट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए 90 डिग्री का है, ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए हमें 90 डिग्री का बोला, इसलिए हमने एंगल ए यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद जो है ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो जो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि फिर इनके एंगल्स जो होंगे, ठीक है, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी जो है वो 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। एंगल ए जो है वो हमें 90 डिग्री का गिवन है, एंगल बी अगर मैं एक्स मान लेती हूँ तो एंगल सी जो है वो भी कितने का हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी एंगल बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्या बन गया 90 डिग्री प्लस में 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को उधर ले जाते हैं तो माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो कितना हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। यानी कि एंगल B और एंगल C जो है वो कितने डिग्री के हैं 45 डिग्री के हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने एरिया जो है वो ट्राइंगल का यहाँ पर जो है वो निकालना है, तो इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल करेंगे जो कि है एस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें इसके सारे साइड जो है वो पता होने चाहिए, तो साइड जो है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, मुझे पता है ए जो है वो 13 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सी को मैं एक्स मान लेती हूँ, पेरीमीटर मुझे पता है। तीनों साइड्स को प्लस करने पर जो है वो पेरीमीटर बनता है, ठीक है, वो 42 के इक्वल हो गया। ये 13 है 10 है एक्स 42, इन दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 हो गया, x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 ये प्लस हो रहा उधर जाके, तो ये कितना हो गया 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा जो साइड है, ठीक है, वो कितनी हो गई हमारी, वो है यहाँ पर जो पहली साइड है उसको हम s निकाल लेते हैं। यहाँ पर s निकालने के लिए जो है वो हमने क्या किया, इन तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें दिया ही हुआ है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कटिंग कर दोगे 2 2 4 2 1 2, ये 21 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 21, ये हो गया 21 माइनस ए, 13 को माइनस कर दोगे 21 माइनस 10 हो जाएगा, और थर्ड साइड जो है वो कितना है हमारे पास 19, इन तीनों को जो है वो माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 21 हो गया, 21 में से 13 जो है वो माइनस करते हैं, 21 में से 10 माइनस करते हैं, और उसके बाद 21 में से 9, तो 21 में से 13 माइनस किया तो यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। 21 में से 10 माइनस किया तो हो गया 11, और 21 में से 19 माइनस किया तो हो गया 2। अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल लो, है ना, कॉमन। तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉमन जो है वो क्या निकलेगा, इसको कर दिया हमने 21 को हम लिख सकते हैं 7 into 3, है ना, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 11 यही रह जाएगा और 2, ठीक है। तो ये 2 जो है वो स्क्वायर से बाहर आ गया, ये दोनों पेयर बन गए तो स्क्वायर से बाहर आ गया, बाकी सब एज इट इज अंडर रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो 7 into 3 into 11, 2 2 का कितना हो गया 4, ठीक है, और 11 7 77 77 को जो है वो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 3 21 7 21 22 23, तो 4√231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको बोला गया है इफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज, रेशियो दिया गया है ये आपको ट्राइंगल के साइड का, ठीक है, और उसका पेरीमीटर जो है वो 540 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो आपने पता करना है, ठीक है। तो जो साइड ए है वो हमारी 12x हो गया, जो साइड बी है वो 17x है, और जो साइड सी है वो 25x है। पेरीमीटर जो होता है वो इन सबका सम होता है, ठीक है, यानी कि 12x प्लस में 17x प्लस में 25x जो है वो 540 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54x, जो कि 540 के इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू 540, 54 से डिवाइड कर दो तो x हमारा कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो एंगल जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल बी, a जो है वो कितना हो गया 12 into 10, यानी कि 120 सेंटीमीटर, ठीक है। जो b है वो कितना हो गया 17 into 10, यानी कि 170 सेंटीमीटर, और जो c है वो हो गया 25 into 10, यानी कि 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो हमें एबीसी पता चल गया, अब इन्होंने बोला है ट्रायंगल का एरिया जो है वो निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो हमें पता है 540, 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि जो है वो s फाइंड आउट कर सके हम लोग, ठीक है। तो s फाइंड आउट करने के लिए जो है 540 को 2 से डिवाइड कर दिया, जो कि बन जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो यूज कर लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अंडर रूट s
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इसके बाद जो है वो एस हमारा कितना है 270, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 270 माइनस ए हो गया हमारा 120, ठीक है। फिर 270 माइनस 170 जो कि बी है, फिर 270 माइनस 250 जो कि सी है, ठीक है। इन सबको जो है वो हमने क्या करना है, अंडर रूट में ले लेना है। इसके बाद जो है जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, ये तो 270 ही रह जाएगा और 270 को माइनस 120 से किया, ठीक है, यहाँ पे 150 आ गया, ये 100 आ गया और यहाँ पर जो है वो 20 आ गया, ठीक है। ये सारा जो है वो किसमें हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो पार्ट डी है, क्वेश्चन में चॉइसेस है, ठीक है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड क्वेश्चन जो है वो करो। मैं पार्ट ए कर रही हूँ पहले, ठीक है, जो कि है एक्स प्लस टू वाई प्लस में 4z का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ac, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ए जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है, ए जो है वो यहाँ पे हमें क्या दिया है, x, ठीक है, वो ले लिया। जो बी है वो क्या है हमारे पास, 2y, और जो सी है वो क्या है, 4z। इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ए का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है, इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ठीक है, फिर जो है वो क्या है, सी का स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस में फिर 2ab है, तो 2x, ठीक है, और जो बी है वो है हमारे पास 2y। इसी तरीके से जो डॉट डाल रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसी तरीके से 2bc है, तो 2b कितना है मेरे पास, 2y, और जो सी है वो कितना है, 4z। फिर 2ac है, 2 ले लिया, ए हमारे पास है x और सी है हमारे पास 4z, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर प्लस में 4 4 16 16z का स्क्वायर, ठीक है, 2 2 4 4xy हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 2 16 16yz, ठीक है, और इसी तरीके से 4 2 8xz, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो देखते हैं जिसमें हमें बोला गया वेरीफाई करो। ये बी पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है एक्स का क्यूब प्लस में y का क्यूब जो है वो इक्वल है किसके, x प्लस y और x स्क्वायर माइनस xy प्लस में y स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो पहले x और ये कंप्लीट जो है नंबर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे y स्क्वायर, फिर हमने प्लस का y लिया, फिर अगेन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x क्यूब, इसको माइनस xy से किया तो x स्क्वायर y हो गया प्लस में xy स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब y वाला कर रहे हैं, y यहाँ पे x को हम पहले ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, x स्क्वायर y हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया और प्लस 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 वाई का क्यूब हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, है ना। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपको बोला गया है फैक्टराइज करना है आपने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपने, तो इस क्वेश्चन को जो है हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो तरीके हैं इसके, आप इसको डिविजन मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, तो यहाँ पर जो है नंबर है एक्स का क्यूब माइनस
2x² - x + 2, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बच गया, x - 1, ठीक है, सॉरी x - 2, और यहाँ पर जो है वो क्या कॉमन निकल गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस निकाल दिया हमने, ठीक है, और ये बच गया x - 2, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को एक साथ कर दो, ये हो गया x² - 1, ये हो गया x - 2। अभी इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका x - 1 x + 1 और ये हो गया x - 2, ठीक है, बस इतना ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, जिसमें 12x² - 7x + 1 जो है इसको फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो कितना हो गया 12x², अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है प्लस या माइनस करने पर कि वो -7x बन जाए, ठीक है। तो हम 4x और 3x ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 12x² बन जाएगा, प्लस करने पर जो है 7x बन जाएगा, बट ये साइन माइनस का चाहिए तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये हो गया 12x² - 7x + 1, ये 12x² - 4x - 3x + 1, कॉमन निकालोगे क्या कॉमन निकल जाएगा 4x, यहाँ पे बच के आपके पास 3x - 1, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा सिर्फ -1 कॉमन निकलेगा, ये हो गया आपके पास 3x - 1, ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही है, 3x - 1 और 4x - 1, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, इसी का सेकेंड पार्ट जो है वो दिया गया है हमें 2x² + 7x + 3, इसको भी सिमिलर तरीके से ही हमने जो है वो करना है। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा 6x², ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे तो हम 6x और 1x कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बन जाएगा और प्लस करने पर 7x बन जाएगा, ठीक है। 2x² + 6x + x + 3 कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच गया x + 3, यहाँ पे +1 ही रह गया, ये हो गया x + 3, ठीक है। जो ब्रैकेट है उसको एक साथ लिख देते हैं, दूसरे नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं, ये हो गया आपके पास x + 3, ठीक है। तो 2x + 1 और x + 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है इफ ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, वाई रेशियो जेड जो है वो 3:7 है, ठीक है, वाई और जेड का रेशियो जो है वो 3:7 है, अपने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या गिवन है कि सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि जो एंगल सी जी एच है, ठीक है, यानी कि सी जी एच ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और जो एंगल एफ जी एच है, ठीक है, एफ एच जी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों जो है वो इक्वल होगा, एंगल सी जी एच जो है वो एंगल एफ एच जी के इक्वल होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसके बाद जो एंगल सी जी एच है वो हम कह सकते हैं जो ये वाला एंगल है वो जेड के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से जो एंगल सी जी आई है उसमें अगर मैं सी जी एच जोड़ दूंगी तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी कि जो सी जी आई है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपका और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर दूंगी तो 180 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी y प्लस में z जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब हमें गिवन जो है वो क्या है कि जो y रेशो z है वो 3:7 के इक्वल है, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि y जो है वो हमारा 3k है और z जो है वो हमारा 7k है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 3k में 7k जब ऐड करूंगी तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा 10k is equal to 180 degree, k is equal to 180 degree, 10 मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k कितना हो गया 18 डिग्री हो गया, ठीक है। अब z जो है वो कितना हो गया मेरे पास, z जो है वो 7k हो गया, यानी कि 7 × 18 जो कि कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। और x जो और z जो है वो इक्वल है तो x जो है वो हमारे पास कितना हो गया वो भी 126 डिग्री का हो गया, क्यों इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमें दिया गया है कि y x प्लस वाई, ठीक है, यानी इसको और इसको ऐड करो, w और z को x प्लस वाई ऐड करो, w और z ऐड करो, दोनों इक्वल होगा, तो हमें प्रूफ करना है कि a o b जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो गिवन जो है वो हमें क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वो 180 डिग्री का है ना, स्ट्रेट लाइन। प्रूफ करना शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस w प्लस z जो है वो 360 डिग्री का होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट के क्यों है, क्योंकि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, कंप्लीट एक सर्कल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इस करके ये 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस में w प्लस z जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है, मैंने ब्रैकेट में ले लिया नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल है, तो x प्लस वाई w प्लस z को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई से, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है, गिवन है। इसके बाद जो है ये दोनों प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x plus y is equal to 360 degree, x plus y जो है 360 degree 2 multiply हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 180 degree आ गया, है ना। तो hence x plus y makes a linear pair, linear pair, और therefore linear pair बना रहे हैं, और जिस वजह से जो a o b है वो A O B is a straight line। तो यहाँ पे बच्चों हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।